भाजपा नेता हरिओम मौर्या ने आजम खान को दिया करारा जवाब। कहा, जयप्रदा जी चुनाव जीत रही हैं, इसलिए बौखलाहट में आजम खान जयप्रदा जी के बारे में अमर्यादित बयान दे रहे हैं। आजम खान, जब आपको सपा ने पार्टी से निकाला था तब आपने मुलायम सिंह यादव के बारे में भी यही कहा था कि मुलायम सिंह यादव आरएसएस का कच्छा पहनते हैं, आपकी फितरत ठीक नहीं है। कल आजम खान ने जो बेहुदा बयान जयप्रदा जी के बारे में दिया है कि वो आरएसएस का खागी अंडरवियर पहनती है, मैं उन आजम खान से पूछना चाहता हूँ, जब तुमने अपनी पार्टी से उन्हें सांसद का चुनाव लड़ाया था तब आपकी आंखों पर क्या पट्टी बंधी थी? जब वो आरएसएस की नहीं थी, वो आजम खान जो इतना बेहुदा बयान किसी महिला के बारे में दिया है, ऐसे आजम खान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर उन्हें जेल में भेजना चाहिए और उनका चुनाव से उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। ऐसे आजम खान जब आज अपनी जमीन की खिसकती देख रहे हैं, जब बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी उन्हें चुनाव लड़ा रहा है, तब आजम खान को आज वो आरएसएस की दिखती है और उन्हें दिखता है कि वो आरएसएस का खाकी रंग का अंडरवियर पहने हुए हैं। मैं आजम खान से पूछना चाहता हूँ, जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें निकाला था तब उन्होंने ऐसे ही बेहुदा बयान अपने नेता मुलायम सिंह के बारे में उन्होंने कहा था कि ये मुलायम सिंह अंदर से आरएसएस का खागी अंडरवियर पहनता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब उन्हें कोई पार्टी से निकालता है या उनकी जमीन खिसकती है तब उन्हें आरएसएस का मुलायम सिंह भी आरएसएस का अंडरवियर पहने वो दिखते हैं, खागी अंडरवियर पहने वो दिखते हैं। आज जयप्रदा भी जो अपनी वो यहाँ से रामपुर से जमीन खिसकती वो देख रहे हैं कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तब उन्हें मुस्लिमों के बीच में जाकर इस तरह का बेहुदा बयानबाजी करके एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और वो अपनों यहाँ से चुनाव जीतना चाहते हैं।